अगली डेरिवेशन हमारी एनर्जी ऑफ ऑर्बिट की है। लास्ट क्लास में हम डेरिवेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम की बात कर चुके हैं, हाइड्रोजन एटम के रेडियस की बात कर चुके हैं। आज हम डेरिवेशन करेंगे एनर्जी ऑफ ऑर्बिट की। तो उसके लिए हम फिर से एक एग्जांपल एटम की ले लेते हैं। ये आपके पास एक एटम है, ठीक है। अच्छा, इस एटम में यहाँ सेंटर में तो आपको पता है न्यूक्लियस है, पॉजिटिवली चार्ज, और यहाँ शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अच्छा, न्यूक्लियस का जो चार्ज है वो जेड ई है, पिछली डेरिवेशन की तरह हमने जेड ई लिया हुआ है। न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान ये जो फासला है, ये फासला हमारे पास आर है, और ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन तक का ये जो स्पीड होगी, मतलब वेलोसिटी है, टेंजेंशियल लाइन पर होती है, ये वी है हमारे पास, सही है। अच्छा, अब यहाँ पर हम अगेन कुछ कंसिडरेशन लेंगे। दी सिंगल इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन के ही रिस्पेक्ट से सारी बात हो रही है, इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम हैविंग चार्ज E, फुल स्टॉप, मास m, कॉमा लगा लेते हैं, मास m, इज रिवॉल्विंग विद वेलोसिटी, वो रिवॉल्व कर रहा है, जिसकी वेलोसिटी v है, अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अराउंड, हैविंग चार्ज, जिसमें चार्ज क्या है आपके पास, जेड ई पॉजिटिव न्यूक्लियस का चार्ज है। द डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान जो फासला है वो क्या है, आर फ्रॉम न्यूक्लियस, सही है, ये तो हो गया, ठीक है। अच्छा, अब दो चीजों की बात करूंगा, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी, के ई ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड पी ई ऑफ इलेक्ट्रॉन, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी है वो तो वही फॉर्मूला है जो आप लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, हाफ इज हाफ एम वी स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला है ना यहाँ पे, वो थोड़ा सा अलग है। जो आप लोगों ने बचपन में पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ा है वो पढ़ा है mgh, यहाँ पर है माइनस zE स्क्वायर अपॉन r। अच्छा, इसकी वजह पता है क्यों? देखो, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी होती है बॉडी की जो मूवमेंट से एसोसिएटेड होती है, याद रखना, ठीक है। और पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रॉन किसी भी बॉडी की वो एनर्जी होती है जो उसकी पोजिशन से एसोसिएटेड होती है। हम बच्चों को समझाने के लिए कहते हैं कि जब कोई बॉडी हाइट पर होती है तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है, ऐसा ही है ना? तो यस सर, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की पोजीशन के लिए जो एनर्जी है हमारे पास, ये जेड ई स्क्वायर अपॉन आर, ये अगर आपको याद हो तो ये जो फोर्स है ये हमारे पास कल हमने कूलम्स फोर्स के हिसाब से निकाली थी, कल की डेरिवेशन में ये कूलम्स फोर्स के रिस्पेक्ट से आई थी। देखो, हाँ जी, ये रहा Ze square upon R, ठीक है,
आर स्क्वायर था, यहाँ पर आर है वो कूलम फोर्स के रिस्पेक्ट से हमने पोटेंशियल एनर्जी निकाली है। तो बेसिकली यहाँ पर ये जो पोटेंशियल एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉन की पोजिशन है। तो हम यहाँ पर लफ्जों में ये बात थोड़ी सी लिख देते हैं ताकि वाजे भी रहे। एन इलेक्ट्रॉन पोजेस काइनेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी रखता है ये तो हमें पता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एटम में कंटिन्यूसली रिवॉल्व करता रहता है, ठीक है ना, इससे हमें ये बात पता चल रही है। वाइल रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, क्योंकि वो न्यूक्लियस के अराउंड घूम रहा होता है तो हमें ये बात पता है कि भाई उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होगी तभी वो मूव करेगा, वरना वो मूव नहीं करेगा, सिंपल सी बात है। अब आ जाते हैं पोटेंशियल एनर्जी पर। एंड पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी होगी ड्यू टू द पोजीशन, ड्यू टू द पोजीशन, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन के रिस्पेक्ट से, पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन विद रिस्पेक्ट टू न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के हिसाब से जो उसकी पोजीशन होगी उसके हिसाब से हमने इसकी पोटेंशियल एनर्जी ली है, जो कि जेड ई स्क्वायर अपॉन आर है, ठीक है ना। अब जो इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी होगी, द टोटल एनर्जी विल बी द सम ऑफ के ई एंड पी ई। जो टोटल एनर्जी होगी वो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम होगी। तो हमारे पास एनर्जी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, ई इज इक्वल टू, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। वैल्यूज पुट कर लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या है, माइनस जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। अब हाफ वही रहेगा, एम वी स्क्वायर आ गया और ये प्लस माइनस माइनस हो गया, जेड ई स्क्वायर अपॉन आर, ये हमारे पास आ गई एनर्जी की वैल्यू, ठीक है ना। ये बात समझ में आई बेटा? जी सर। यस सर। अच्छा, अब हमें अगेन वेलोसिटी कैलकुलेट करनी पड़ेगी, क्योंकि वेलोसिटी का जो है वो मसला है। तो अब हम यहाँ लिख लेते हैं, टू कैलकुलेट पी स्क्वायर, वी स्क्वायर मालूम करने के लिए हम क्या स्टेप यूज कर रहे हैं, यहाँ पर क्या मैथमेटिकल अप्रोच इस्तेमाल कर रहे हैं, वी इक्वेट सेंट्री फ्यूगल फोर्स टू सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को सेंट्रीपिटल फोर्स से इक्वेट कर देंगे, विच इज ड्यू टू दी विच इज ड्यू टू दी अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस। ये दोनों फोर्सेस क्यों हैं, ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस की वजह से हैं। तो अब हम सेंट्रीपिटल फोर्स CPE और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स CFF, सही है, CPE और CFF, इनको हम इक्वेट कर रहे हैं। तो अच्छा, सेंट्रीपिटल फोर्स जो है हमारे पास वो क्या है, एम वी स्क्वायर अपॉन आर, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो यहां पर है वो क्या है, जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। ये वो फोर्स है, आर स्क्वायर नहीं है सर, हाँ सॉरी आर स्क्वायर होगा, ठीक है। ये वो फोर्स है जो इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस से बाहर, सॉरी मैंने उल्टा यहां पर लिख दिया है, सेंट्रीपिटल फोर्स, हाँ सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो इसको बाहर निकालना चाह रही है, और सेंट्रीपिटल फोर्स इसको
सर्कल के अंदर रखना चाह रही है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो इसको सर्कल से बाहर निकाल। ओहो क्या हो गया, सेंट्रीपिटल फोर्स इसको सर्कल से बाहर निकालना चाह रही है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सर्कल के अंदर रखना चाह रही है। मैंने थोड़ा सा उल्टा लिख दिया बेटा, मैं इसको पहले करेक्ट कर लूं। यहां पर आएगा सेंट्रीपिटल फोर्स ये है जेड स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है हमारे पास एम वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। आर है आर स्क्वायर है, आर होता है, आर है सर, आर है सर। ये मैंने थोड़ा सा इसको उल्टा लिख दिया था उस वक्त क्योंकि अभी वो डायग्राम देखी तो मुझे कंसिडरेशन याद आई कि भाई जेड ई तो अंदर की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है तो सेंट्रीपिटल ये होगा और बाहर की तरफ हो जा रहा है तो सेंट्रीफ्यूगल वो होगा। ठीक है भाई, तो ये आ गई हमारे पास। अच्छा अब मैं इसमें आर की वैल्यूज को सेट कर लेता हूँ। पहले तो क्या होगा भाई, ये आर से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब मेरे पास जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बन जाएगा, एम वी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया जेड ई स्क्वायर अपॉन आर, ये फॉर्मूला बन गया। अब यहां से वी स्क्वायर का अगर मैं फॉर्मूला निकालूं तो क्या आ जाएगा, जेड ई स्क्वायर अपॉन एम आर आ जाएगा। अच्छा अब ये जो हमारे पास इक्वेशन है इसमें हमने वी को रिप्लेस करना था ना, ये हमारे पास इक्वेशन ए हो गई मान लो। अब यहां पर हम लिख लेते हैं सब्स्टिट्यूटिंग वी स्क्वायर इन इक्वेशन ए, इक्वेशन ए में वी स्क्वायर की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो हमें क्या मिलेगा, हाफ एम वही रहेगा, वी स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, जेड ई स्क्वायर अपॉन एम आर का, अच्छा ये एम आर आ जाएगा और यहाँ माइनस, माइनस के बाद जेड ई स्क्वायर अपॉन आर आ जाएगा, जेड ई स्क्वायर अपॉन आर आ जाएगा। ये स्टेप समझ में आया बेटा? यस सर। एक क्वेश्चन है जी बेटा, पूछिए सर। बुक वैसे अभी ये एम से एम तो कैंसिल हो जाएगा लेकिन बुक में उन्होंने एम वी स्क्वायर का डायरेक्ट फॉर्मूला निकाला है। हाँ तो आप एम वी स्क्वायर का भी कर सकते हो ना, अगर एम वी स्क्वायर का निकालोगे तो जेड स्क्वायर अपॉन आर बचेगा। वो मैथमेटिकल अप्रोच है, उसका कोई इश्यू थोड़ी है, वो ये स्टेप नहीं आएगा फिर वो डायरेक्ट पुट हो जाएगा। ठीक है ना, तो एम से एम कैंसिल हो गया, ई आ गया हमारे पास जेड ई स्क्वायर अपॉन टू आर माइनस जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, ये स्टेप समझ में आया बेटा? यस सर। अब हम एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम लेने पर 2r होल स्क्वायर आ जाएगा, ये हो जाएगा जेड ई स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस का 2z e स्क्वायर। ठीक है, एलसीएम लेने के बाद हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पर ये बचेगा हमारे पास माइनस का जेड ई स्क्वायर अपॉन 2r, ये बच जाएगा। ठीक है, इसको कह लेते हैं हम इक्वेशन बी। अब क्या करते हैं, अब आर की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं यहां पे, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ आर, आर की वैल्यू जो हमने कल निकाली थी वो यहां पर हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, इज इक्वल टू माइनस जेड ई स्क्वायर अपॉन टू, आर की वैल्यू क्या है बेटा जो कल निकाली, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन फोर पाई स्क्वायर एम स्क्वायर एम जेड ई स्क्वायर, सॉरी फोर पाई एम जेड ई स्क्वायर, ये आ गई कल वाली वैल्यू। अब इसको मैथमेटिकली जब सॉल्व करोगे इज इक्वल टू, सर जी बेटा हम लोग ने एनर्जी का निकालना है फॉर्मूला तो हमने आर क्यों पुट किए, आर हमने इसलिए पुट किया क्योंकि बेटा रेडियस बेसिकली हमें नहीं पता ना, रेडियस का फॉर्मूला हमने निकाला हुआ है ना, तो या तो वहां से डायरेक्ट रेडियस की वैल्यू पुट कर दो वरना फॉर्मूला पुट कर लो, मतलब ये या वाली बात है। जेड ई स्क्वायर अपॉन, अच्छा यहाँ पर क्या होगा, ये टू और ये टू कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पर यह बचेगा एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन टू पाई स्क्वायर एम जेड ई स्क्वायर, ये हमारे पास वैल्यू बच जाएगी। उसके बाद ये जब रिवर्स होगा, चूंकि ये ऊपर चला जाना चाहिए और ये नीचे आ जाना चाहिए,
तो रिवर्स होकर हमारे पास क्या बचेगा यहाँ पर, यह आ जाएगा माइनस टू जेड स्क्वायर ई स्क्वायर एन स्क्वायर एम डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर एच स्क्वायर। सर जी बेटा। सर ये ऊपर जो है ई स्क्वायर जो है वो ई फोर नहीं होना चाहिए था। हाँ सॉरी बेटा, ये ई फोर हो जाएगा। यहाँ पे क्या हुआ कि जो नीचे पाई स्क्वायर कहाँ गया? वो पाई स्क्वायर भी हम यहाँ पे पाई से एन स्क्वायर करना यही पड़ेगा। अभी फिलहाल जगह ढूंढ रहा हूँ मैं कहीं पाई को लगाने की। चलो यार, अच्छा मतलब भूल गए लगाना। देखो बेसिकली हुआ ये कि जो नीचे वाली वैल्यू है ना, ये ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई हो गई, तो z और z मल्टीप्लाई हो गए, z स्क्वायर हो गया, e स्क्वायर मल्टीप्लाई हो गया, e4 हो गया, बाकी 2 और n n 2 और जो ये बाकी वैल्यू है, ये n कहां से ले आया मैं? यस सर यही मैं भी देख, n इधर ये पाई होना था, यहां पे मैंने n लिख दिया था इसको, ठीक है ना। बाकी ये 2 पाई और m, ठीक है, 2 पाई स्क्वायर और m, ये एज इट इज आ गया है। बाकी असल जो प्रोडक्ट बना है वो जेड स्क्वायर का बना है, जेड स्क्वायर और ई फोर। ये हमारे पास एनर्जी का फॉर्मूला आ गया, ये है एनर्जी का फॉर्मूला, ठीक है। अब दो ऑर्बिटल्स के दरमियान अगर एनर्जी की का डिफरेंस निकालो तो वो क्या आएगा? अगर हम डेल्टा मतलब दो ऑर्बिटल्स के दरमियान निकालें, डेल्टा ई निकालें, तो ई टू माइनस ई वन, ई टू माइनस ई वन, ऐसा ही ना। यानी कि ये जो अभी देखो, ये जो एटम है, इस एटम में अगर यहाँ पर इस शेल की एनर्जी मान लो ई वन है, तो एक और ऑर्बिटल यहाँ पर है अगर मिसाल के तौर पर, और उसकी एनर्जी ई टू है आपके पास, तो मैं ई टू माइनस ई वन, इलेक्ट्रॉन अभी ऊपर से नीचे जंप कर रहा है, तो हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन जब ऊपर से नीचे जंप करता है तो वो एनर्जी रिलीज करता है बेसिकली ना, तो हम यहाँ पर वो कर लेते हैं डेल्टा ई। अब E की वैल्यू पुट कर लो, माइनस टू जेड स्क्वायर ई फोर पाई स्क्वायर एम अपॉन एन स्क्वायर एच स्क्वायर, ठीक है, और माइनस फिर माइनस टू टू जेड स्क्वायर ई फोर पाई स्क्वायर एम डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर एच स्क्वायर। अच्छा ये जो है आपके पास, ये N2 है और ये N1 है, ठीक है ना, ये N2 और N1 याद रखिएगा, ये शेल नंबर 2 से आ रहा है, E2 का मतलब शेल नंबर 2 और E1 का मतलब है शेल नंबर 1। ये वाली बात समझ में आई बेटा मेरी सबको? यस सर। सब हम N की जगह ऑर्बिट का वो जानेंगे ना, जिस ऑर्बिट में, यानी अगर N2 है तो 2 आएगा ना N की जगह। हाँ हाँ हाँ, मतलब नंबर आएगा बेसिकली। ठीक है, डेल्टा E। अब ये इसका तो हम ऐसी ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, टू जेड स्क्वायर ई फोर पाई स्क्वायर एम डिवाइडेड बाय एन टी टू स्क्वायर एच स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो गया ये, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ गया आपके पास, टू जेड स्क्वायर ई फोर पाई स्क्वायर एम डिवाइडेड बाय एन वन का स्क्वायर और एच स्क्वायर। अब कॉमन क्या निकल रहा है, कॉमन है सारा वो निकाल लेते हैं। कॉमन हम कॉमन निकालने के बाद प्लस माइनस को भी अरेंज करूंगा मैं, ठीक है ना। यहाँ पर कॉमन आ रहा है मेरे पास, टू आ रहा है, जेड स्क्वायर आ रहा है, ई फोर आ रहा है, पाई स्क्वायर आ रहा है, एम आ रहा है और एच स्क्वायर भी कॉमन आ रहा है। अब इधर क्या बच जाता है मेरे पास, इधर बच जाता है वन अपॉन एन वन का स्क्वायर माइनस वन अपॉन एन टू का स्क्वायर। अब देखो ये मैंने क्या कर दिया, प्लस वाले को मैं ब्रैकेट के शुरू में ले आया हूँ, माइनस वाले को पीछे ले आया हूँ, बात एक ही है, मसला नहीं है, समझ रहे हो ना बात को? ओके यस सर। इसे कहते हैं हम एनर्जी का फॉर्मूला। अब ये जो है वैल्यू टू पाई स्क्वायर, यहाँ पर ये इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं, डेल्टा ई इज इक्वल टू आर एच वन अपॉन एन वन का स्क्वायर माइनस वन अपॉन एन टू का स्क्वायर। आर एच क्या होता है, आर एच कहलाता है बेटा
रिडबर्ग्स कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है, रिडबर्ग्स कांस्टेंट कहलाता है ये, और इसकी जो वैल्यू होती है मेरे ख्याल से 10 6 7 8, नहीं 9 6, हाँ 10 9 6 7 8, यस सर, 10 9 6 7 8 सेंटीमीटर इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स, ये रेडबर्ग्स कांस्टेंट की वैल्यू होती है। यानी कि इन सबको जब मैं वैल्यूज पुट करूंगा ना, जेड की वैल्यू फिक्स है, हाइड्रोजन में एक ही प्रोटॉन होता है, ई की वैल्यू चार्ज की वैल्यू फिक्स है, पाई की वैल्यू फिक्स है, एम की वैल्यू फिक्स है, एच की वैल्यू फिक्स है, इन और टू भी कॉन्स्टेंट है, इन सब की वैल्यूज को पुट करके जब सॉल्व करूंगा तो मेरे पास ये आंसर आएगा 10 9 6 7 8 सेंटीमीटर इनवर्स। तो हम डायरेक्ट यहाँ पर रिडबर्ग्स कांस्टेंट की वैल्यू पुट करते हैं, शेल की वैल्यू पुट करते हैं, चेंज इन एनर्जी हमें पता चल जाती है, और रिडबर्ग्स कांस्टेंट की वैल्यू हमें कैलकुलेटर से भी डायरेक्ट मिल जाती है। क्लियर है बेटा? ओके, अच्छा सर। जी बेटा बोलिए। यस सर, प्रॉब्लम सर ये एग्जाम में किस तरह आएगा कि आप एनर्जी और क्या निकालें? देखें, एक तो एनर्जी निकाली है और एक हमने चेंज इन एनर्जी निकालते हैं, और एक रेडियस निकाला है, हम क्या, और एक रेडियस निकाला है। हाँ, मैं सब अपनी एनर्जी, वो तो इसी के, हाँ वो भी है। नहीं 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 बेटा, जो अभी सर मैं आपका सवाल समझ गया। देखो बेटे, ये ऐसा है कि इसमें पहले आपने निकाला कल रेडियस, ठीक है, आज आपने निकाला है एनर्जी, तो और ये सब एक साथ आएगा? नहीं नहीं, मैं नहीं। सिर्फ एनर्जी वाली की बात कर रही हूँ। हाँ, एनर्जी जब आएगा तो चेंज इन एनर्जी तक जाना। अच्छा सर, उसमें अभी इसमें बीच में आपने ये बताया है रिडबर्ग का कांस्टेंट, सही है सर, उससे पहले इन लोगों ने ये एच वी है, नहीं एच वो है वेवलेंथ, आई गेस, हाँ एच न्यू फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी या फिर, यस सर, इन्होंने, इन लोगों ने बीच में ये भी डाले, तो ये क्या, ये भी दिखाना होगा हम लोग को? बेटा वो मैं समझ गया आपकी, वो आप जो बात कर रही हो ना वो डेरिवेशंस का ही हिस्सा है, लेकिन वो मैंने अभी कराया नहीं है, मैं रुक गया अभी। असल में इसके आगे फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर की भी डेरिवेशन है, मतलब बेसिकली जो मैं तुम्हें अभी जवाब दे रहा था ना, ये जो डेरिवेशन है इसमें हम चार चीजें निकालते हैं, पहला है रेडियस, ठीक है, दूसरा है एनर्जी और चेंज इन एनर्जी, ठीक है, तीसरा है हमारे पास फ्रीक्वेंसी, और चौथा है हमारे पास वेव नंबर। ये चार चीजें हम मालूम कर रहे होते हैं। जब ये सवाल हमारे पास पेपर में आता है तो हमसे वो पूछता है कि इन चार में से आपको कौन सी जानकारी, मतलब उसे चाहिए, वो आपको बताता है कि भाई रेडियस निकालो या चेंज इन एनर्जी निकालो या फ्रीक्वेंसी निकालो या वेव नंबर निकालो, वो बताता है कि ये चाहिए मुझे, तो फिर आपको वो चीज निकाल के उसे देनी पड़ती है, ठीक है। अच्छा, अगर मिसाल के तौर पे फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर वो कहता है, तो फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर का ताल्लुक ना इस एनर्जी की डेरिवेशन से है, यानी कि अगर आपको ये एनर्जी की डेरिवेशन समझ में आ जाती है तो फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर में आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वेव नंबर और फ्रीक्वेंसी की डेरिवेशन जो शुरू होती है ना वो यहाँ इस एनर्जी डेल्टा एच से समझ लो शुरू होती है, या ये कह लो कि जो एनर्जी का फॉर्मूला आया है ना, इस एनर्जी के फॉर्मूला से शुरू होती है, चेंज इन एनर्जी से, बल्कि सॉरी, तो हम लोग को पूरे ओके चेंज इन एनर्जी या फिर एनर्जी पूरा करके दिखाना होगा, या फिर ये करके कि देयरफॉर या सिंस ये फॉर्मूला होता है एनर्जी का। हाँ, आप अगर वेव नंबर और फ्रीक्वेंसी वो पूछेगा ना तो आपको डेल्टा ई से शुरू करना पड़ेगा, सिंस या देयरफॉर करके आपने डेल्टा ई से डेरिवेशन शुरू करनी है, तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला लिखेंगे ना। हाँ हाँ हाँ, फिर आपने ये लिखना है स्टेटमेंट, डेल्टा ई इज इक्वल टू ई टू माइनस ई वन, ये पुट किया, ये निकाला, ये आ गया, इसके बाद ये रेड बॉक्स नहीं इंडिकेट करना, फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर पे चले जाना, जो इंशाल्लाह मैं कल कराऊंगा। ओके सर, ठीक है बेटा, तो तब तक के लिए रेडियस और ये जो एनर्जी की डेरिवेशन है ना, इनको जरा स्ट्रॉन्गली अपने जहन में बिठा लीजिए ताकि आप लोगों को बात समझ में आ जाए, आगे जो टॉपिक्स होंगे उसके लिए जरा हमें आसानी हो जाएगी, ठीक है बेटे। सर इसकी पीडीएफ भेज देगा यार, वीडियो से निकाल लो ना, तुम लोग क्या पीडीएफ पीडीएफ मांगते रहते हो, पीडीएफ सर ये जो नोट्स है ना शाहजी वाले, इसमें मतलब अलग है, उतनी मुश्किल वर्डिंग भी होती है, मतलब अच्छे नहीं है। अच्छा सर, आप वीडियो क्लासरूम में कर रहे हो अपलोड, या फिर आपके यूट्यूब पे जाके कर लें, गूगल क्लासरूम नहीं, यूट्यूब चैनल पे जाओ, सीधे चैनल पे, सर उसमें इतनी सारी खोल खोल कर देखनी पड़ती है ना कौन सी है। तो तुम लोगों को प्लेलिस्ट बताई भी है ना मैंने, प्लेलिस्ट पर जाओ सीधे सीधे,